हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, जरूर बताइएगा। तो अभी पहले तो बता देती हूँ, तबीयत पहले से काफ़ी बेटर है, ठीक है। अपने आप ही सही पूछो, आराम हुई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था पूरा अकड़ गया है, जैसे ये सब पूरा एरिया कंधा वगैरह। लेकिन अभी कुछ डॉक्टर साहब ने वहीं से दवा बता दी थी तो वो खाई हूँ, आराम है। तो अभी मैंने खाने में बना लिया है, इधर ये है, अंधेरा दिख रहा होगा, लाइट कम जल गई अभी। ये है कद्दू मेथी की सब्जी है, जो कि कोहड़ौरी डाल के बनाया है। और ये आलू मटर है, जो उबली हुई आलू थी उसको बना दिया है। तो इसका मैं मैश करके, सही पूछो, आलू मटर की बेड़ भी बनाऊंगी और थोड़ा ऐसे ही खाया जाएगा। तो जब भी बनाती हूँ मैं थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ, जिससे ऐसे भी खा ले और बेड़ भी हो जाए। तो चलो, आज क्योंकि सैटरडे है, बच्चों की क्लास, मतलब बच्चों की कह रही हूँ, विभू की क्लास जो है आज रेमेडियल होती है स्कूल में, तो एक्स्ट्रा क्लास आज रहती है, जिसके लिए मैं सुबह छोड़ के आई थी, ओला करके छोड़ के आई थी। तो अभी जाके फिर से मैंने अभी उबर किया है, अभी गाड़ी आ ही रही है, बाहर आ जाएगी, फोन करेगा, फिर मैं जा रही हूँ विभू को लेने के लिए। तो अभी तैयार हो गई हूँ, स्वेटर वेटर तो सब पहनी हूँ, धूप तो खूब तेज है, इतना ज्यादा ठंडी तो नहीं है, लेकिन हाँ बाहर निकलने पे हवा है ही है, थोड़ी ठंडी लगेगी। तो चलो अभी वही देख रही हूँ लोकेशन कहाँ तक पहुँचा है, ये उबर किया है तो बस ये आ जाए, तो चलती हूँ विभू को लेके आती हूँ। तो अभी गाड़ी वाला बहुत लेट कर रहा है, सुबह से मान लो थोड़ा आराम लगा, जैसे ही मुझे जरा सा आराम लगा तो ये पूरा बेड आज सारी चादरें वगैरह सारा चेंज की। जब तक ये थोड़ी ख़राब होती है ना तो लगता है कि कुछ हो नहीं पा रहा है। तो आज ये वाला गुड्डा के भी बेड का वो किया, अभी सारे कंबल, दो तीन तो कंबल हैं, और तीनों लोग एक एक अलग अलग उड़ते हैं क्योंकि एक दूसरे को खींचते हैं ना, जिसलिए अलग किया गया है। और ये वाला चादर भी बदला है, पूरा बदल के ये सब सारा किया है। इधर तो मैंने खाली कर ही दिया, एकदम ही जैसे खाली लग रहा है, जरा देखो कुछ है ही नहीं है जैसे। और ये बेड भी पूरा एकदम झाड़ा है, सही किया है यहाँ पे, लेकिन वही है, वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगाया तो हो क्या रहा है कि उसमें पानी अपने आप ड्रेन होता जा रहा है। तो अभी फ़ोन किया है सर्विस सेंटर, तो वो भी आ रहा होगा, तो उसको भी मुझे सही करवाना है। तो चलो यहाँ पे बंद करती हूँ लाइट, निकलती हूँ लेके आती हूँ विभू को। लो आ गया है उबर से, कैसे अभी बढ़ गया, अभी क्या अभी तक आया नहीं लाखन अंकल, लाखन अभी नहीं आया है, बढ़ गए, पहले कितने दिखा रहा था आपको। ये उबर सुबर करके हमारी आदत है नहीं भाई, करा सुबह किया था, वापस ले आए यहाँ छोड़ दिया, वो सही था, और वो उसने सिर्फ 87 लिए हैं, और ये 100 रुपया भी लिया, वो कह रहा है कि डबल चार्ज लगेगा वहाँ तक स्टॉप, फिर वहाँ से यहाँ आने का स्टॉप, चलो डबल। बड़ी जल्दी धूप जाने लग गया है एकदम से, आज मशीन में कंबल डाला था, मशीन बनी नहीं, उसको फ़ोन भी किया था, वो आया नहीं अभी तक। तो मैं ये सारे कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, और मेरी आंखें देखो ऐसे चढ़ी चढ़ी जाए, तबीयत अजीब से हुई रहती है ना, तो कुछ इच्छा ही नहीं होती, कोई काम नहीं हो पा रहा है मेरा। फिर चलो मैं फोल्ड कर लेके मिलती हूँ। तो साफ सफाई करने के बाद में आज आटे की टंकी धो दिया है, आटा मंगाया है, इतना सा आटा था जो कि लगा दिया है अभी, और इधर मुझे जमाना है दही। ये दूध एकदम लाल हो गया, कई बार गर्म कर दिया है मैंने, अभी हल्का सा गुनगुना करके इसको इसमें दही जामन डाल देती हूँ।
हल्का गुनगुना हो जाए जामुन डाल दूं और एक चाय रख लूं अपने लिए। अजवाइन डाल रही हूँ, सिर्फ अजवाइन की चाय पीऊंगी। थोड़ा सा जामुन डाल के इसको माइक्रोवेव के अंदर रख दूंगी जिससे कि वहां पे जम जाए। यहाँ गर्मी रहती है, आराम से जम जाएगा। हमारा ये देखिए कुछ गरम गरम पीते तो अच्छा लगता है थोड़ा। चलो मैं लेती हूँ। चलो भाई साहब आ गए, मशीन खराब थी अब बन जाएगी। ये वॉशिंग मशीन, कंबल डाल दिया था, कंबल निकाला है अभी, अब जाके धोऊंगी शाम को। अभी चाय मेरी ख़त्म नहीं हुई थी तब तक आ गए। मैं इसको रिकॉर्ड कर लूं क्या, फिर मैं खोलूं इसको, इसे देख देख के? नहीं खुलेगा, बहुत हार्ड होता है। अच्छा, क्योंकि पाइप पानी के लिए ही आपको बुलाना पड़ता है मुझे, तो क्या करो। थोड़े छोले हैं, इसको भिगा देते हैं। ये है गेहूं की दलिया, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इसको भून लिया जाए। भून के बना देंगे थोड़ा सा मीठी दलिया बच्चों को, थोड़ा सा बीबू को खास करके मीठा बहुत पसंद आता है, मीठी चीज़ कुछ चाहिए होती है उनको। तो ये गेहूं की दलिया थोड़ा लाल कर लेती हूँ, उसके बाद इसको दूध वाली दलिया मीठी बनाऊंगी। नमकीन दलिया ये लोग नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। एकदम देखिए अब एकदम लाल हो गया है भून के। अब इसमें हम डाल देते हैं दूध। उबलने देते हैं, फिर इसमें डालते हैं थोड़ी सी इलायची और चीनी। चीनी डाल दिया, थोड़ा सी इलायची पाउडर डालेंगे एक चुटकी, बस इसको मिला देंगे। ऐसे ये पक गया है, बस जरा सा और चल जाए बस ये मान लो हमारी दलिया तैयार है। मैंने दही वाला मसाला बना लिया है सिंपल, इसमें कलौंजी का छौंक लगा के अदरक लहसुन मिर्च प्याज थोड़ा सा मसाला और थोड़ी दही डाल दिया है। और इसमें मैं डाल दे रही हूँ ये पनीर। एक पनीर चुरा लेते हैं, थोड़ी टेस्ट टेस्टिंग भी करनी चाहिए भाई। उतना मसाला नहीं आ रहा है।
थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल दिया है मैंने और कसूरी मेथी, जरा सा कसूरी मेथी, बस हल्का सा पक जाए तैयार है।